यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर बनाए प्रोटोकॉल का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है। अब तक कई विधायकों पर केस दर्ज किए जा चुके हैं। इस बीच संभल जिले में भी असमोली विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी विधायक पिंकी यादव व अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ आचार संहिता व COVID-19 दिशा निर्देशों के उल्लंघन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि सोमवार शाम भेजोई थाना क्षेत्र के अतरासी गांव में असमोली से समाजवादी पार्टी की विधायक पिंकी यादव अपने समर्थकों के साथ अख्तर के मकान के सामने खाली जगह पर 50-60 लोगों की भीड़ इकट्ठा करके चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। वहाँ इकट्ठे लोगों ने ना तो मास्क लगाए हुए थे, ना ही कोविड नियमों के तहत आवश्यक दूरी बनाए हुए थे, जिसके कारण सपा विधायक पिंकी यादव व 50-60 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आचार संहिता व COVID-19 दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना भेजोई के अंतर्गत कल यह सूचना प्राप्त हुई कि अतरासी गांव में श्रीमती पिंकी यादव विधायक असमोली के द्वारा एक जनसभा को संबोधित किया गया है, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है। इसमें तथ्यों के आधार पर विधायक असमोली तथा 50 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188, 269, 270 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51B तथा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। संभल पुलिस चुनाव आयोग के निर्देशन में दी गई गाइडलाइन का पालन कराने के लिए लगातार तत्पर है। धन्यवाद।